हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दीपक सर आपके लिए क्लास टू का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको यहाँ तक बता दिया था। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मेरा था कि विच नंबर इज लार्जर, इन दोनों संख्या में कौन सा नंबर लार्जर होगा। तो देखिए 567 है और यहाँ क्या 657, तो इन दोनों बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ग्रेटर देन का सिंबल। ठीक है, अब यहाँ आते हैं इन दोनों में विच, पहला क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज स्मॉलर, इन दोनों में स्मॉलर कौन है। तो देखिए हमारा 73 और 53 है, तो 73 और 53 में स्मॉलर कौन है, तो स्मॉलर ये है, तो जो स्मॉलर होगा उसके तरफ हम ये साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या 345 और 543, तो 345 और 543 इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो ये छोटा है, तो ये स्मॉलर डन का साइन लगाएंगे। 6 और 8 इन दोनों में छोटा कौन है, तो छोटा 6 है, ये स्मॉलर देन का साइन लगाएंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि राइट द नंबर फ्रॉम 178 टू 193 इन द बॉक्स। अब देखिए इसमें क्या 178, यहां पे कितना होगा 179, फिर कितना हो जाएगा 180 181, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करिएगा, लिखते चले जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आप इसको क्या करिएगा, फिलअप करिएगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कर रहा है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 295 इन ईच ऑफ द गिवन नंबर। अब देखिए 295, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 295 इन ईच ऑफ द गिवन नंबर। जो भी नंबर दिया गया है सभी नंबर में, है ना, सभी नंबर में 295 का 295 का क्या करना है हमको, 295 का हमको करना है आपका प्लेस वैल्यू बताना है। अब यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम बनाएंगे यहाँ अपने कॉपी पे। यहाँ देखिए इस तरीके से, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 295। अब यहाँ देखिए इस सभी का प्लेस वैल्यू हमको पता करना है ना। तो हम आते हैं ऐसे कर लेते हैं, देखिए और ये देखेंगे तो ये 5 होगा, यहाँ आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, है ना, तो इस तरीके से 5 का यूनिट प्लेस क्या होगा 5, 9 है तो 9 के बाद कितना संख्या 1 संख्या, तो 90, 2 के बाद कितना है 200 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर बी की तरफ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर बी में हमारा क्या है 952, तो 952 को हम क्या लिख सकते हैं 2, हाँ 2 हो जाएगा, फिर ये मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद सॉरी ये 5 के बाद लिखेंगे है ना, यहाँ कितना हो जाएगा 50, उसके बाद यहाँ आते हैं 9 पे, 9 के बाद लिखेंगे डबल संख्या है तो 900। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और सभी का प्लेस वैल्यू को हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, कंपेयर द प्लेस एंड साइन ग्रेटर और स्मॉलर बिटवीन द फ्लोइंग नंबर। अब हमको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि इन सभी संख्याओं के जो संख्या दिया है दो संख्या, इन दो संख्याओं के बीच में हमको कंपेयर करना है कि इन दोनों संख्या में बड़ा कौन है। तो बड़ा हमारे पास कौन है जी, ये 478 है, तो जो बड़ा होगा उसके तरफ हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे। उसी प्रकार देखिए 539 और 559, बड़ा कौन है इन दोनों में, 559 बड़ा है। अब देखिए 102 और 20, इन दोनों में बड़ा कौन है जी, तो 102 बड़ा है, है ना। उसी प्रकार देखिए 100 और 995 है, तो बड़ा कौन है जी, ये है बड़ा। तो इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन से रेस्ट उसको कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी क्या है हमारे पास 5 क्वेश्चन में, कि अरेंज द फ्लोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फ्लोइंग नंबर इन क्या है असेंडिंग और ये क्या है डिसेंडिंग। तब इसको हम किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर ए में, क्वेश्चन नंबर ए में 309, 718, उसके बाद क्या है 109, 431 और 919 और 201, फिर उसके बाद क्या है 615। इसको किस रूप में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम यहाँ पर आते हैं। अब इस ये जो मेरा क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या दिख रहा है, 919। तो 919 को हम क्या लिख सकते हैं, 919 को हम लिख सकते हैं 919। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, उसके बाद ये इसके बाद कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो 718। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 718। उसके बाद कौन है, 615। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 615। उसके बाद मेरे पास क्या है, 431। तो 431। उसके बाद क्या है, 309। फिर उसके बाद 201। उसके बाद मेरे पास क्या है, 109। तो इस तरीके से हम क्या करिए, इन संख्याओं को हम किस रूप में लिखे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस में लिखे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखे हैं। आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, अब देखिए मेरे पास आता है एक असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में वो एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन अगर मान लेते हैं, क्वेश्चन में मेरे पास ए है कितना, 709, 415, 109, 819, 216, 354। अब इसको हम किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है फ्रेंड, सबसे पहले छोटी संख्याओं को लिखते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कितना है मेरे पास, कितना है, 109। उसके बाद कितना है, 216। उसके बाद क्या है मेरे पास, 354। उसके बाद 415। उसके बाद मेरे पास क्या है, 709। उसके बाद कितना है, 819। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर को हम कर सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अरेंज आंसर द फ्लोइंग यूजिंग द नंबर इतना, है ना। आप देखिए रैद इस स्मॉलेस्ट नंबर, इन जो संख्या हमको दिया गया है, इन संख्या में सबसे छोटी संख्या हमको क्या दिख रहा है। तो सबसे छोटी संख्या मेरे पास क्या है, 51। क्या है, 51 मेरे पास सबसे छोटी संख्या है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 51। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, राइट द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर हमको क्या दिख रहा है, 789। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 789। ठीक है, अब हम क्या बोल रहा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लिख लेते हैं। तो 719 माइनस 51 तो कितना हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8, और 8 में से 5 जाएगा 3, और ये 7 हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा मेरे पास, 738। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम आज हमने पेज नंबर 9 को कवर किया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। इस तरीके से आप क्या करिएगा, इसका सॉल्यूशन अपने नोट्स बुक में तैयार करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।